लास्ट कुछ वीडियो में हमारे ही कुछ सब्सक्राइबर जो है कमेंट कर रहे थे, सर एनपीए के ऊपर जो स्टे ऑर्डर था सुप्रीम कोर्ट का, वो तो सर रिमूव कर दिया गया, अभी हमको क्या करना है। सो दोस्तों, क्या बाकी में सुप्रीम कोर्ट ने एनपीए के ऊपर जो स्टे ऑर्डर लगा था, क्या उसको विड्रॉल कर लिया है? आज के इस वीडियो में मैं उसी के बारे में बताऊंगा कि एक्चुअल में ये जो खबर है ये रियल खबर है या फिर कोई फेक न्यूज़ है जो कि कुछ यूट्यूबर आपको परोस रहा है। सो दोस्तों, मैं हूँ आसन, आप देख रहे हैं यूनिट नो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल पे अगर आप नए हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे भी बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, फाइनेंस रिलेटेड वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। सो दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा हमारे कुछ सब्सक्राइबर जो है मेरे कुछ वीडियो में कमेंट कर रहे थे, सर एनपीए के ऊपर जो स्टे ऑर्डर था वो तो हट चुका है, सर अभी करना क्या है? पहले बताना चाहूँगा जो एनपीए के ऊपर जो स्टे ऑर्डर है मेरे हिसाब से दोस्तों अभी भी लागू है और सुप्रीम कोर्ट के इसके ऊपर फाइनल कोई भी टिप्पणी नहीं आया कि इसके ऊपर रिमूव कर दिया गया। अब सवाल बनता है कि जो भी मैं आपको बता रहा हूँ वो सही है या गलत है। मैं आपको बता रहा हूँ उसको वेरीफाई करने के लिए, मैं आपको खुद बता रहा हूँ कैसे आपको वेरीफाई करना है। जो भी आप इन्फॉर्मेशन आपको यूट्यूबर आपको दे रहे हैं उसको आंख बंद करके भरोसा मत करिए, क्योंकि जो भी इन्फॉर्मेशन यूट्यूब में दिखाया जाता है वो हमेशा सच नहीं होता। यूट्यूबर लोग अपना व्यू बनाने के लिए कुछ भी बोल सकते, उसका मतलब ये नहीं कि वो सच है। सो आप एक जागरूक जो है एक व्यूअर्स के नाते आपको मैं बता रहा हूँ, जो भी इन्फॉर्मेशन आपके यूट्यूबर दे रहे हैं आप उसको खुद भी सच्चाई पता कर सकते हैं। कैसे पता करेंगे? एनपीए का स्टे ऑर्डर जो है ये नॉर्मल कोई इंसिडेंट नहीं है, एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है। और ऐसा नहीं है कि अगर ऐसा कोई आदेश आता है सुप्रीम कोर्ट से उसका कोई भी नेशनल मीडिया जो भी है जितना सारा न्यूज़ पोर्टल है कोई भी उसको कवर करेगा नहीं। सिंपली आप जो है गूगल में जाकर चेक करिए, आप कोई भी कीवर्ड टाइप करिए कि एनपीए स्टे ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट, ये लिख के सर्च करिए, आपको कोई भी रिजल्ट लास्ट 15 दिन में तो नहीं मिलेगा। साथ ही साथ आप एनपीए सुप्रीम कोर्ट भी लिखिए या फिर एनपीए स्टे ऑर्डर लिख के भी सर्च करिए, आप मुझे एक भी न्यूज़ का जो है लिंक मिले तो मुझे बताइए, मुझे तो नहीं मिला, अगर आपको मिलता है मुझे बताइए। सो ऐसा हो ही नहीं सकता कि सुप्रीम कोर्ट ने इतना बड़ा जो है डिसीजन सुना दिया और कोई भी नेशनल मीडिया फिर नेशनल कवरेज जो है आपको नहीं बताया। इस टाइप का जो न्यूज़ है वो टोटली फेक है, ऐसे कोई भी डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक नहीं सुनाया है। अभी भी जो है एनपीए का स्टे ऑर्डर लागू है और जो भी एनपीए घोषित हो रहा है वो दोस्तों पहले से ही एनपीए में चला गया था, ऐसा नहीं कि नया जो है कोविड का टाइम हुआ है। सो दोस्तों, इस टाइप का जो फेक न्यूज़ है उससे आपको बच के रहना है और इस टाइप का जो भी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं उनसे आप पूछिए कि जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है उसका एक्चुअल सोर्स ऑफ लिंक हमें शेयर करिए। और जो लोग शेयर करें उनसे बस मैं एक ही कहना चाहता हूँ जो मोदी जी हमेशा बोलते हैं कि जनता को मूर्ख बनाना बंद करो। दैट्स इट, इस वीडियो में मुझे इतना ही आप लोगों को चेतावनी देना था। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।